हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिरबल साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज सक्सेसिव डिफरेंशियल। सक्सेसिव डिफरेंशियल में हमने जो पढ़ा था उसको हम आज आगे पढ़ाते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे आज, इसमें nth टाइम डेरिवेटिव्स देखेंगे, है ना। nth टाइम डेरिवेटिव्स है जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बारे में आज हम वापस देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी चेक करेंगे कि क्वेश्चन को हम इसके सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस करके। तो nth डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, कुछ जो इसके फंक्शंस है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है आपको इफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी देन डी पावर एन ई टू द पावर ए एक्स प्लस देन डी पावर देन डी पावर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए पावर एन ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी करके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए टू दिया है, इफ़ ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू ज़ीरो देन डी पावर एन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स करके। नेक्स्ट फिर आपको दिया गया है इफ़ वाई इक्वल टू ए पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए करके। ठीक है स्टूडेंट्स, कहता है देखिए इफ़ वाई इक्वल टू ए पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए करके दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या बना सकते हैं, इसके लिए आपके पास बनेगा देन डी पावर एन ए पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए पावर एन इंटू एक्स पावर सॉरी इंटू ए पावर एक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है स्टूडेंट्स, देन डी पावर एन इंटू ए पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए पावर होल टू द पावर एन, फिर क्या कहता है इंटू ए पावर एक्स करके। फिर क्या कहता है, देखिए आगे स्टूडेंट्स कहता है फोर्थ में इफ़ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एम, ये कहता है इफ़ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एम देन डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एम इक्वल टू ज़ीरो एम लेस देन एन। सेकेंड कहता है स्टूडेंट्स आपके पास डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर ज़ीरो करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या कहता है एन फैक्टोरियल बाय ज़ीरो पावर एन फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर ज़ीरो फैक्टोरियल एन ए पावर एन एम इक्वल टू एन। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स एम इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो टर्म्स क्या बनेगा आपके पास, देखिए जब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स बनेगा स्टूडेंट्स डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एम डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एम इक्वल टू एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल इंटू ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एम माइनस एन करके। एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर एम माइनस एन करके। नेक्स्ट आप कहता है स्टूडेंट्स यहाँ से इफ़ वाई इक्वल टू एक्स पावर एन देन तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए इक्वल टू ज़ीरो बी इक्वल टू ज़ीरो डी पावर एन इंटू एक्स पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। देखिए इसी में आगे और दिया गया है स्टूडेंट्स, इसको हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, अब इसके आगे हम और देखते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला है स्टूडेंट्स। इफ़ एम इज़ ए नेगेटिव इंटीजर देन लेट एम इक्वल टू माइनस बी, है ना। क्या कहता है नेक्स्ट पे, कहता है स्टूडेंट्स इफ़ एम इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, है ना, एम क्या है आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, देन लेट एम इक्वल टू माइनस पी वेयर पी इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहता है, वेयर पी इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन तब क्या हो जाएगा डी पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी करके। ठीक है, तब यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बनता है, तब यहाँ पे आपके पास फार्मूला ये बनता है इक्वल टू माइनस वन पावर एन पी प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल पी
पी माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है इक्वल टू स्टूडेंट्स के डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी इक्वल टू होता है वन माइनस पावर एन पी प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन पी माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर क्या दिया है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पावर यहाँ पे आपको दिया है स्टूडेंट्स माइनस पी माइनस एन करके। ठीक है, क्या दिया आपको यहाँ से पावर में माइनस पी माइनस एन करके। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या देगा आपको, नेक्स्ट आपको कहता है स्टूडेंट्स इफ एम इक्वल टू माइनस वन, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वन है और पी की वैल्यू क्या है आपके पास वन है, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डी पावर एन ए एक्स प्लस बी, है ना, डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन पावर एन एन फैक्टोरियल ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस वन डी पावर एन ए एक्स प्लस बी माइनस वन डी पावर एन ए एक्स प्लस बी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन पावर एन एन फैक्टोरियल ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस माइनस एन माइनस वन करके दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अगली प्रॉपर्टी है। तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ से इफ वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी देन डी पावर एन लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या कहता है स्टूडेंट्स माइनस वन पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ए पावर एन करके अपॉन देगा स्टूडेंट्स ए एक्स प्लस बी पावर एन करके। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं और इसमें और प्रॉपर्टी दी गई है, इफ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हो स्टूडेंट्स, है ना, क्या कहता है इफ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हो तब क्या बनेगा आपके पास फार्मूला डी पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, डी पावर n साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू इंटू एन पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस के लिए जब बनाओगे तो आप क्या दिखाएगा, देखिए ये कहता है आपके पास डी पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए एन इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू एन पाई करके वन बाई टू एन पाई करके वन बाई टू एन पाई करके दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फिर क्या कहता है आपको, नेक्स्ट आपको कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला आपके लिए है, ये कहता है इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी कहता है स्टूडेंट्स, तब क्या हो जाएगा देखिए डी पावर एन ई टू द पावर ए एक्स डी पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट डी पावर एन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी प्लस एक्स, तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना है आर पावर एन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। तो इस टाइप से क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरी इसकी प्रॉपर्टी है, किसके लिए जो सक्सेसिव डिफरेंशियल हम पढ़ते हैं उसके लिए पूरी है उसकी प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कहता है स्टूडेंट्स फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स y इक्वल टू वन अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, y इक्वल टू क्या कहता है स्टूडेंट्स यहाँ से y इक्वल टू वन अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन करके ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या हो जाएगा y इक्वल टू वन अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या कहता है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, अब इसको आप क्या करिए स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट करने के बाद टर्म्स में क्या आएगा देखिए स्प्लिट करने के बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन सॉरी टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन करके। ठीक है, इसको हमने जब स्प्लिट किया तो स्प्लिट करने के बाद क्या दिखा रहा है आपको देखिए टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन करके। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ना डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो भी इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी उससे पहले हम इसको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं कौन से मेथड से सॉल्व होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्ट किस पर दिख रहा है
ये बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। जो पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं 11th 12th में, उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है इफ़ सॉल्विंग द इक्वेशन वन, इक्वेशन वन भी आप दे सकते हैं, तो इक्वेशन वन लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इफ़ सॉल्विंग द इक्वेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस इक्वेशन को मैं किससे सॉल्व करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पे टर्म्स क्या आता है स्टूडेंट, आपके पास बता सकते हैं आप। देखिए ये कहता है कि 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1 करके। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 2 करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, अलग अलग एलिमेंट है तो यहाँ की सिर्फ इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जस्ट ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया समझो, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहेगा स्टूडेंट्स, 3x माइनस 1 किसके साथ, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी 2x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 3x माइनस 1 करके। ये और ये क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ से 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू 2x माइनस 1 करके। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 3 करके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इसको जब इसमें, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, इसमें हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वन टाइम इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू, सेकंड टाइम यहाँ से एक्स की वैल्यू। कहने का मतलब देखिए मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ये कहता है आपको, देखिए ये कहता है इफ़ 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया आपको, 0। इफ़ 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या कहता है आपको, 0, देन 3x इक्वल टू 1, आप 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू निकालनी होगी स्टूडेंट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इस 1/3 को मैं कहाँ पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 इंटू 1/3 माइनस 1 करके। तो देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स, ये ए वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ जब बताने की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3, और एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा एलसीएम हो जाएगा 3, और ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या बनेगा, b इंटू 2 माइनस 3, 2 ये सामने का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 ऊपर जाएगा, पूरे का एलसीएम हो जाएगा 3 करके। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/3 करके। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/3 बचेगा स्टूडेंट्स। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, -3 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको कहता है, देखिए नेक्स्ट में आपको कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि फिर से आप किसका निकालेंगे, अब देखिए 2x माइनस 1 कहता है ना, अगेन इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0, देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 करके। तो अभी पहले को फिर से क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 था उसमें आप पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए क्या निकला यहाँ से, ये हो जाएगा 1 का 1 एज इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ तो फिर क्या बचेगा, -2 और 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 करके। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास 3 माइनस 2/2, तो ए, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास, देखिए वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास,
वन इक्वल टू ए बाई टू निकलेगा स्टूडेंट्स, क्या निकलेगा, वन इक्वल टू ए बाई टू। देखिए स्टूडेंट्स क्या निकला है यहाँ पे, वन इक्वल टू ए बाई टू, इट मीन्स ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, टू। तो अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर टू में पुट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप एक लाइन स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो आप नोट कर सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास टू करके, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा टू करके। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन करके। क्लियर, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बट यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसका एन टाइम डिफरेंशियल बताना है। तो एन टाइम जब डिफरेंशियल बताना होगा स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, देखिए वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, टू अपॉन टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन करके, ठीक है, टू अपॉन टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वन करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टू इंटू टू एक्स माइनस वन पावर माइनस वन माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस वन, है ना, टू इंटू टू एक्स माइनस वन होल टू द पावर माइनस वन, तो माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस वन होल टू द पावर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम इसमें स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है, आप उस स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, आप इसको चेक कर सकते हैं, कहता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, क्या कहेगा, डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन, डी पावर एन, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम होता है, तो एम की जगह यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, माइनस वन दिखा रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया, डी पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन करके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन पावर एन माइनस वन पावर एन एन फैक्टोरियल ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस वन। क्लियर, क्या कहता है, देखिए माइनस वन पावर एन एन फैक्टोरियल ए पावर एन ए एक्स प्लस बी पावर माइनस एन माइनस माइनस एन माइनस वन करके, ठीक है। तो देखिए आप कैसे कैसे बनाएंगे, आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए किसकी जगह हो जाएगा, कि ए पावर एन दिया है, तो ए पावर एन की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, टू पावर एन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ए एक्स प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन, और ये माइनस एन और माइनस वन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो टू दिया हुआ है, सॉरी एन दिया हुआ है, ये एन का एन फैक्टोरियल रह गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, टू, टू कैसे है? क्योंकि ऑलरेडी ये टू दिया हुआ है, ठीक है, ये टू इसका है, क्लियर। नेक्स्ट में आपके पास ये थ्री दिया हुआ है, थ्री थ्री का हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या कहता है, देखिए यहाँ से फार्मूले में ए पावर एन, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, थ्री पावर एन हो जाएगा, हो गया थ्री पावर एन। अब ये माइनस वन वाला टर्म्स ये भी एज इट इज़ रहेगा, एन फैक्टोरियल भी एज इट इज़ रहेगा। अब क्या हो गया, थ्री एक्स प्लस दिया, ए एक्स प्लस बी दिया है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है आपके पास माइनस वन पावर एन फैक्टोरियल एन, ये कॉमन है स्टूडेंट्स। और ये टू के पावर में वन है, और टू के पावर में एन है, थ्री के पावर में वन है, थ्री के पावर में एन है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, इतने पार्ट को आप कॉमन निकालिए, कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा टू पावर एन प्लस वन, हो गया टू पावर एन प्लस वन, और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन माइनस एन माइनस वन करके, माइनस थ्री एन प्लस वन, है ना, माइनस थ्री पावर एन प्लस वन, और ये थ्री एक्स माइनस वन माइनस एन माइनस वन, ये हो जाएगा स्टूडेंट पावर में। ये आपके पास देखिए यहाँ टू एक्स पावर वन, टू एक्स माइनस वन के पावर में माइनस एन माइनस वन है, और थ्री एक्स माइनस वन के पावर में माइनस एन माइनस वन है, ठीक है। और कॉमन था आपके पास माइनस वन पावर एन और फैक्टोरियल एन, ये कॉमन था, ठीक है। ये टू में क्या है, टू एन प्लस वन, और थ्री में क्या हो जाएगा, थ्री एन प्लस वन हो जाएगा पावर में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने अभी पीछे क्या देखा है, पीछे हमने नाइन स्टैंडर्ड फार्मूला देखा है स्टूडेंट्स, उसी नाइन स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करके हम इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला बैठ रहा है ना, कौन से स्टैंडर्ड फार्मूले क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा, किस में वो करेक्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उस फार्मूले में उस क्वेश्चन को हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप पढ़िए, चेक करिए, और सबसे पहले आप इसमें का डिफरेंशियल का फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला विथ इंटीग्रेशन भी, है ना, सॉरी डिफरेंशियल के साथ साथ कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आप पढ़िए,
और साथ में आप क्या पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड फार्मूला भी आपने पढ़ा है उस स्टैंडर्ड फार्मूले को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से है ना, तो इसको आप पढ़िए और समझिए और हमको बताइए, कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट्स करिए और हमको बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।